हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये है सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग का दिन। तो रात में सबने इतनी डांस मस्ती करी कि थक गए थे। यहाँ पर दीदी देखो क्या बोल रही है, हम प्यार से रखते खिला पिला। ये कब किया है? तो यहाँ पर बुआ जी आ गई थी, सब लोग गेस्ट आए जा रहे थे और हमने चाय पानी पी लिया था लेकिन नहाए नहीं थे। तो मैं किचन में कुछ कर रही थी, बना रही थी। तो यहाँ पर जब मैं नहा कर आई हूँ तो ये है मेरा, रेडी हो गई थी। मैंने सूट पहना था, एक चिनॉन सिल्क का मेरे पास सूट था, मम्मी का दिया हुआ ये भाई था। तो मैं इसको पहनकर अपने आप को भी देख रही थी क्योंकि मेरे को ना फेस पे पिंपल्स हो गए थे। अभी कुछ नहीं भी किया तो भी इतने पिंपल्स हो गए थे, अब अगर कुछ करते तो पता नहीं क्या ही होता। और मेकअप करने के बाद नहीं हो रहे। तो यहाँ पर हम रेडी होकर निकल चुके हैं। मीट माय ननंद, एक और ननंद, इसका फेस दिखाओ, इसका फेस दिखाओ मेरे बेटे का। ओए यू यू यू, कितने हुए? मिमी का, मिमी से परी देख, परु आए। गाइस पति देव का मुंह बना हुआ है, मुंह बना रहता है। भाभी ये भी बोल दो ना, मुंह बना रहता है। हाँ, वो मेरे भैया का मुंह बना रहता है, ऐसे ही है। देखा आज तो आपने सपोर्ट करा ना, कोई बात नहीं भैया, अपने आना। मतलब भाभी पर आई है क्या? नहीं भाभी भी अपनी है, भैया कुछ बोले। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर लड़की वालों के यहां पर, मतलब पहुंच चुके हैं उनके घर के सामने ही। सब लोग इकट्ठा हुए थे और हमारी कंप्लीट फैमिली गई थी, बस दो चार जने रह गए थे क्योंकि वो आ नहीं पाए थे कुछ रीजंस की वजह से। और यहां पर मेरी देवरानी और बेटा खड़ा है और ये है मेरी पूरी फैमिली। यहाँ पर नंद है और ये देखो, इसको तो आप जानते हो, मिक्कू तो आपने पहले भी देखा होगा, मेरी छोटी ननंद है। और यहाँ पे चाचा जी, दीदी, बुआ जी, मतलब सब लोग खड़े हैं। ये है मेरी सासू माँ और ये है दूल्हे की माँ, इन्हीं के बेटे की शादी है। ये मेरी चाची सास है और ये तो मेरी सासू माँ, आप लोग देख चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारे वेलकम के लिए कोई आए भाई, तभी तो घर में एंट्री कर सकते हैं ना। और ये है बेटा मेरे जेठानी का लड़का है। तो यहाँ पर बातें कर रहे हैं हम लोग। भाई ननंद को ले लो, ये मेरी ननंद और परी। ओ वाओ, ओ वाओ, मैंने अभी देखा इसको। ईशु, ओ वाओ, आ जा जल्दी, व्लॉग व्लॉग आ। ओ वाओ, वीडियो है क्या उसे? ये व्लॉग है बेबी। आ जाओ, आ जाओ, उधर ही बैठ लो, आ जाओ। ऐसे अच्छा, चलो भाई। सो गाइज, अब हम लोग एंटर कर चुके थे, हमें बिठाया गया था यहाँ पर, नाश्ते की तैयारी चल रही थी। और उधर थोड़ा सा, मतलब ये ना बिल्कुल शाम हो चुकी है, दिन ढल गया था, तो यहाँ पर हम सब लोग बातें कर रहे थे। तेरे लगी? तेरे लगी थी? हाँ, इसको गाड़ी में बनती है। हाँ, थोड़ा लाइट है लेकिन वो लगाना चाहिए था ना। सो गाइज, यहाँ पर हम सब लोग बैठे थे और गाने चल रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर करना ही बेटर समझा क्योंकि फिर कॉपीराइट वाली चीज़ें हो जाती है। और अंधेरा हो चुका था, दुल्हन अभी रेडी नहीं थी, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि कब वो आएगी और कब जाकर मतलब आगे की प्रोग्राम जो है शुरू होगा। तो यहाँ पर हमने अभी नाश्ता पानी कुछ भी नहीं किया था, बैठे ही थे जस्ट, हम आके बच्चे जो है कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी और कब हम डांस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नंद जी को बता रही थी कि पीछे देख लो, तो ये बड़ा खुश हो जाती है, अच्छे से व्लॉग में आती भी है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर गाने चल रहे हैं और मैं गुनगुना रही थी गाने, बहुत अच्छा लग रहा था। बट वो है कि थोड़ा सा बस मम्मी को मिस कर रहे थे। और जो बड़ी दीदी, आपने शुभा के शुभा ही देखी ना व्लॉग में, वो नहीं थी। तो यहाँ पर ये देखो, इंगेजमेंट के लिए दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो चुकी है स्टेज पे। जाओ, 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 जाओ,
सो गाइज ये मेरे देवर और देवरानी बैठे हैं यहाँ पर। अभी इंगेजमेंट रिंग नहीं पहनाई है, बस जो गोद भराई वाला शगुन करना था चाची जी ने वो कर दिया, लेकिन वो व्लॉग शूट नहीं हुआ और मतलब ये बच्चों ने किया था तो इसीलिए वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो नंद है हमारी मिक्कू, तो वो पायल पहना रही है, तो पायल जो है भाभी को नंद पहनाती है, तो पायल हमने पहना दी है। इसके बाद होगा इंगेजमेंट का प्रोग्राम और इंगेजमेंट पे दूल्हे के लिए थी गोल्ड की रिंग और दुल्हन के लिए थी डायमंड रिंग जो हम लोग लेकर गए थे इधर से। तो अब ये हो रही है, लेकिन यहाँ पर ना एक गड़बड़ करी है और इसने क्या कहते हैं उसको फोटोग्राफर ने कि उन्होंने ना इंगेजमेंट जो कराई वो खड़े होकर नहीं कराई, तो बैठे बैठे ही करा दी। और उससे चीज़ें ना क्या हुआ कि मतलब ठीक से अच्छे से सबको दिखाने के लिए मैंने खड़े को थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के लिए शूट कर ली। हालाँकि हम सब बिजी थे क्योंकि घर का ही फंक्शन है और अपनी ही फैमिली में है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। सो गाइज आ चुके हैं हम वापस और मैंने ना ये गाउन पहना है अपना, सारी चीज़ें फैली हुई हैं क्योंकि मैं बना रही इधर नाश्ता। अर्ली मॉर्निंग मैं वहाँ से निकल गई थी क्योंकि मैं भाई की गाड़ी लेकर गई थी और उसको फिर वापस जाना था मम्मी के पास दवाई दिलवाने उनको, तो मैं आ चुकी हूँ और अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो अभी भी मैं पीछे बैठा, देखो बर्थडे पे लग रहा है, तो अभी मैं नाश्ता बना लूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ बेसन का चीला और इसमें मैंने ना बीट रूट डाला है, यानी कि चुकंदर डाला है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा रेडिश हो रहा है, मतलब रेड रेड हो रहा है। तो अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता और फिर उसके बाद मतलब करूँगी मैं अपने बाकी के काम और फंक्शंस की वीडियो। मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा? बहुत ही सिंपल सा रखा था क्योंकि उससे पहले ना गाइस एक अनहोनी हो गई थी और जो मतलब मेरी बड़ी सास है, बड़ी सास यानी कि मतलब मेरी सास ना दो बहनें एक ही घर में हैं, तो उनको वो फिसल गई और फिसल के उनको चोट लग गई। तब तक हमें नहीं पता था कि चोट कितनी है कैसे है, तो हॉस्पिटल जब उनको लेकर गए हम तो बाद में पता चला कि हड्डी में क्रैक है और उनका ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन होएगा मंडे को। तो इसीलिए थोड़ा सा सबका मूड स्पॉइल हो गया था, फिर कुछ करने का मन नहीं करा और इसी चक्कर में फिर हम सब लोग रेडी नहीं हुए और मैं अपनी चौकी वगैरह सब ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। जो जो चीज़ें करनी थी वो मैंने की थी क्योंकि थोड़ा सा दिया हटा दिया था, क्लश को हटा दिया था और जो श्रृंगार का सामान था वो मैं लेकर चली गई थी कि गाँव में ही किसी को दे देंगे। यहाँ से हटाऊँगी सारा सामान जो है, हटा दूंगी। माता रानी का श्रृंगार गांव में ही मंदिर में चढ़वा दिया है और अभी बताऊं तो गाइस सारा घर फैला हुआ है, हिम्मत नहीं हो रही। एक तो मन अटका हुआ है ना घर में, जब कोई चीज़ अच्छी हो रही होती है और कुछ गलत हो जाए तो दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है। आई होप सब अच्छा करे कान्हा जी। तो देखो ये वाला पूरा फैला हुआ है, ये कपड़े मैं धो कर गई थी वो है। और मैंने ना जब मैं गई थी तो गाइस क्या हुआ था कि सीढ़ियों से कोई ना कोई मेरे पौधे तोड़ रहा था, तो मेरे पौधे मैंने बालकनी में रखे थे, यहाँ पर रखे हुए हैं सारे, और कुछ दूसरी साइड रखे हुए हैं। तो मुझे बालकनी क्लीन करना है क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, तो फिर उसके बाद होली अष्टमी आ जाएगी और फिर आ जाएगी दिवाली, तो मुझे वो सब चीज़ें भी करनी है। हालाँकि मुझे जोत जलाने गांव में जोत जलाकर ही आना था, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हो गई कि मुझे अर्जेंटली आना पड़ा और मैं सुबह 6:30 तक घर आ गई थी। अभी तक सब फैला हुआ है, थोड़ी सी देर आने के बाद रेस्ट किया, नहाई, पूजा करी और अब कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैं करूँगी अपनी साफ सफाई, क्लीनिंग वगैरह, ठीक है। अभी मेरा नाश्ता रखा हुआ है, मैंने नहीं किया है, सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और व्लॉग को जो भी छोटा छोटा सा व्लॉग मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जब ऐसा हो गया था तो हमने शूट भी नहीं करी है और क्योंकि रेडी नहीं हुआ गया, फिर जल्दी जल्दी में जो जैसा हो पाया वैसे ही सब होके रेडी घर पे ही सब निकल गए थे और मैं भी निकल गई थी। और वैसे भी दूसरी बात गाइस, मेरे पास कोई शूट करने के लिए था ही नहीं कि कोई मेरे एक फ़ोटो तक नहीं खिंचवा पाई हूँ कि सोलो पिक्चर तो मैंने करा ली हो। खैर इंगेजमेंट में फ़ोटोग्राफर ने तो करी ही होगी और जल्दी दुल्हन की भी फ़ोटोज़ रील्स वगैरह जो भी है मेरे पास, जो मैंने फैमिली में सबने ली है, उनसे लेकर मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। जी हाँ, ये मेरे देवर की इंगेजमेंट थी और
और शादी जो है विंटर में होगी, यानी कि एक दो महीने बाद है अभी। जैसे जैसे होगी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब शॉपिंग का दौर और ड्रेसिंग का दौर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन मैं शुरू करूंगी दिवाली के बाद, क्योंकि देखो छोटे बच्चे के साथ है ना मेरा। अभी ने इतना परेशान किया है वहाँ पर कि मैं खुद से भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाई हूँ। तो जो है जितना है आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे, मेरा साथ देंगे। अभी की मस्ती देखो, देखो देखो क्या कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगे एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।